जंगल में एक खरगोश रहता था। खाने की तलाश में घर से निकला, तभी उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ी। खरगोश लोमड़ी को गौर से देखने लगा। लोमड़ी ने पूछा, क्या बात है, इतने गौर से क्या देख रहे हो मुझे? तब खरगोश ने कहा, मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको लोग इतना चालाक क्यों बोलते हैं। लोमड़ी बोली, यह तो बड़ा ही मजेदार प्रश्न पूछा है तुमने। ऐसा करो, तुम आज रात के खाने पर मेरे घर आ जाओ। हम खाना खाने के बाद इस बारे में बात करेंगे। खरगोश तैयार हो गया। वह रात को लोमड़ी के घर पहुंचा। उसने देखा खाने से पूरी मेज सजी हुई थी। लोमड़ी ने खरगोश को बहुत प्यार से अंदर बुलाया और उसको बैठने को बोला। फिर खरगोश से उसके परिवार के बारे में हालचाल लेने लगी। लोमड़ी बहुत प्यार और इज्जत से खरगोश से बात करने लगी। खरगोश बहुत खुश हो गया। उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ है। उसे लगा, लोमड़ी तो बुरी नहीं लग रही, मैं तो बेवजह उसके बारे में गलत सोच रहा था। फिर लोमड़ी ने खरगोश से कहा, आओ चलो खाना खाते हैं, मुझे तो भूख भी लग आई। खरगोश को भी बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने कहा, चलते हैं। खरगोश आराम से खाने को बैठ गया। उसने देखा मेज पर सब कुछ था, प्लेट, चम्मच, गिलास। लोमड़ी ने खरगोश को गाजर खाने को दी। खरगोश ने पेट भरकर मीठी मीठी गाजरें खाई। खरगोश ने देखा लोमड़ी की प्लेट खाली है। उसने बोला, तुम भी तो खाओ। तब लोमड़ी बोली, पहले तुम खा लो, फिर मैं खाऊंगी। इतना सुनते ही अचानक खरगोश वहां से उठकर भाग गया। गाजर, पत्ता गोभी, सब कुछ वहीं छोड़कर, क्योंकि अब उसको समझ आ गया था लोमड़ी क्यों नहीं खा रही थी। वह बहुत तेजी से अपने घर की तरफ जान बचाकर भाग गया। अगर आपको भी पता चल गया है कि लोमड़ी क्या खाने वाली थी, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।